नमस्ते दोस्तों, इस टॉपिक पे आने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी परख लेते हैं। एप्लीकेशंस आइकॉन पे क्लिक करो और प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर यूज करके भी इश्यूज को आइडेंटिफाई और रिजॉल्व कर सकते हैं। रिस्टार्ट के बाद लॉग इन स्क्रीन पर डोमेन का नाम दिखाई देगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे विंडोज सर्वर 2022 पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सेटअप करते हैं और DNS सर्वर रोल भी कॉन्फिगर करेंगे। सबसे पहले हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और DNS रोल इंस्टॉल करना होगा। सर्वर मैनेजर ओपन करो और एड रोल्स एंड फीचर्स विजार्ड को लॉन्च करो। और हाँ, ये रोल्स इंस्टॉल करते वक्त आपको पेशेंस का सुपर हीरो बनना पड़ेगा। रोल इंस्टॉल करने के बाद हमें सर्वर को डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करना होगा। सर्वर मैनेजर में नोटिफिकेशंस आइकॉन पे क्लिक करो और प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन पे चूज करो। यहां से आपको लग सकता है कि जैसे आप एक VIP पार्टी में जा रहे हैं। सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। सर्वर को डोमेन कंट्रोलर के रूप में कॉन्फिगर होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। रिस्टार्ट के बाद लॉगिन स्क्रीन पर डोमेन का नाम दिखाई देगा। तो आप ऑफिशियली एक डोमेन के सुपर हीरो बन चुके हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे आने वाले इंटरव्यू क्वेश्चंस को भी परख लेते हैं। जैसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड DNS सर्वर ऑन विंडोज सर्वर 2022। इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हो आप, जैसे कि EDDS और DNS सर्वर इंस्टॉल करने के लिए सर्वर मैनेजर को ओपन करके एड रोल्स एंड फीचर्स विजार्ड यूज करते हैं। EDDS और DNS सर्वर रोल सेलेक्ट करके विजार्ड फॉलो करते हैं और इंस्टॉलेशन कंप्लीट करते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद सर्वर को डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करते हैं यूजिंग दी प्रमोट दी सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन। यहां पे आपको कुछ इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि व्हाट आर दी प्राइमरी रोल्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर इन एन AD एनवायरमेंट। डोमेन कंट्रोलर के प्राइमरी रोल्स में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट्स एंड कंप्यूटर्स, ग्रुप पॉलिसी एनफोर्समेंट और रेप्लिकेशन ऑफ डायरेक्टरी डेटा अक्रॉस द नेटवर्क शामिल है। बिल्कुल एक टीचर के जैसे सबको डिसिप्लिन और ऑर्डर सिखाता है। यहां पर आपको DNS कॉन्फिगरेशन के ऊपर भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हाउ डू यू कॉन्फिगर DNS व्हेन सेटिंग अप अ न्यू ADDS एनवायरमेंट। इसका जवाब आप इस तरीके से दे सकते हो, ADDS सेटअप के दौरान DNS सर्वर ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर होता है। न्यू फॉरेस्ट क्रिएट करते वक्त विजार्ड DNS सर्वर कॉन्फिगर करने का ऑप्शन देता है। डोमेन कंट्रोलर पे DNS जोन क्रिएट और कॉन्फिगर करना होता है टू एंश्योर प्रॉपर नेम रेजोल्यूशन। We'll be right back.
अगर ट्रबल शूटिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चन इनको पूछना भी है तो ये हाउ डू यू ट्रबल शूट कॉमन इश्यूज ड्यूरिंग द एडीडीएस इंस्टॉलेशन करके आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका जवाब आप इस तरीके से दो, जैसे कि कॉमन इश्यूज ट्रबल शूट करने के लिए इवेंट लॉग चेक करते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी वेरीफाई करते हैं और डीएनएस कॉन्फिगरेशन रिव्यू करते हैं। ईडीडीएस डायग्नोस्टिक टूल्स जैसे डीसी डीआईएजी और रेप एडमिन यूज करके भी इश्यूज को आइडेंटिफाई और रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो गूगल अंकल को कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सिनारियो देता हूं। मान लो आपको एक एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर में एक नया डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस प्रोसेस को? सोचिए, अगर आपको पता है आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हो, वरना मैं हूं ये आंसर देने के लिए। जैसे पहले नया सर्वर प्रिपेयर करेंगे और उस पर एडीडीएस और डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करेंगे, फिर प्रोमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर ऑप्शन यूज करके एग्जिस्टिंग डोमेन सेलेक्ट करेंगे और रेप्लिकेशन सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर पोस्ट इंस्टॉलेशन चेक और रेप्लिकेशन हेल्दी वेरीफाई करेंगे यूजिंग टूल्स लाइक रेप एडमिन। नया डोमेन कंट्रोलर ऐड करना वैसे ही है जैसे घर पे एक गेस्ट को इनवाइट करना है। तो दोस्तों, ये था विंडोज सर्वर 2022 पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन और डीएनएस सर्वर सेटअप करने का कंप्लीट गाइड और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस और फीडबैक जरूर बताएं और धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज एंड याद रखें, डोमेन कंट्रोलर की दुनिया में आप एक सुपरस्टार हैं।